प्रश्न, तुम बच्चे अपनी पढ़ाई से कौन सी चेकिंग कर सकते, अपनी पढ़ाई से कौन सी चेकिंग कर सकते हो, तुम्हारा पुरुषार्थ क्या है? अपना चेकिंग खुद करने की विधि क्या है? उत्तर, पढ़ाई से तुम चेकिंग कर सकते हो कि हम उत्तम पाठ बजा रहे हैं या मध्यम या कनिष्ठ। सबसे उत्तम पाठ उनका कहेंगे जो दूसरों को भी उत्तम बनाते हैं, जो दूसरों को भी क्या बनाएंगे, उत्तम बनाते हैं। अर्थात सर्विस कर ब्राह्मणों की वृद्धि करते हैं। तुम्हारा पुरुषार्थ है पुरानी जुत्ती उतार नई जुत्ती लेने का। जब आत्मा पवित्र बने तब उसे नई पवित्र जुत्ती शरीर मिले, नई पवित्र जुत्ती शरीर मिले। क्योंकि जब तक कोई पवित्र नहीं बनेगा तो पवित्र शरीर नहीं मिलेगा। तो ये नई जुत्ती क्या हुई, हर एक आत्मा एक शरीर छोड़ती है दूसरा शरीर लेती है तो उसको नया शरीर नहीं कहेंगे। भाई आत्मा ने शरीर छोड़ा, एक शरीर छोड़ा दूसरा शरीर लिया तो ये नया शरीर नहीं मिलता उसको, वो पुराना कैसे हुआ? हैं जी, क्योंकि आत्मा तमो प्रधान है तो उसने तमो प्रधान तत्वों से ही अपना शरीर बनाना। आत्मा सत्व प्रधान बन गई है तो उसके लिए तत्व भी सत्व प्रधान चाहिए ताकि वो सत्व प्रधान पवित्र शरीर बना सके। आत्मा पावन बनकर के ही घर जाती है, सब आत्माओं से हिसाब किताब बराबर करके अपनी कौन सी सीट होती है उसकी, चरम अवस्था को प्राप्त करता है। हमने चर्चा की है, एक है परम अवस्था और एक है चरम अवस्था। परम अवस्था सबकी एक होती है परंतु चरम अवस्था सबकी अलग अलग है। नया शब्द है, हमने कई बार चर्चा कर लिया, कोई बात नहीं। ऐसा है कि किसी की लास्ट अवस्था 60% की है, किसी की 80 की है, किसी की 90 की है, इसे चरम कहेंगे। मेरी चरम अवस्था, मैं ज्यादा से ज्यादा 2 मील तक देख सकता हूं, आप ज्यादा से ज्यादा 1 मील तक देख सकते हो, तो आपकी चरम अवस्था देखने की 1 मील है, मेरी चरम अवस्था देखने की 2 मील है, किसी की कम किसी की ज्यादा। तो हरेक की अपनी अपनी परम माना सर्वोच्च, परम अवस्था माना जहां कोई संकल्प नहीं, वो तो सबकी हो जाती है। परम अवस्था तो सबकी हो जाएगी, सारे के सारे संकल्प शून्य हो जाएंगे, परंतु उनकी वहां से आने की जो अवस्था है वो सबकी अलग अलग है। कोई 100% पवित्र बना है, कोई 80% बना है, कोई 90% बना है, कोई 10% बना है, तो कोई 1% बना है। तो परम धाम से वो अपनी अपनी चरम अवस्था से आएगा, यानी तो जो जितना बना है वैसे आएगा ना। अब यहां पर तो मैंने आज शरीर छोड़ा तो मैं आज तो जितना हिसाब किताब है
मेरा उस हिसाब से मैं अपना यहीं पर पूरा पवित्र तो नहीं बनाऊ ना। मान लो कि मैं अब 70 बन भी गया मान लो, तो उसके बाद अभी मेरा शरीर जो कार्मिक अकाउंट है दुनिया के साथ वो तो 70 वाला नहीं है। मेरा जो बचा हुआ हिसाब किताब है वो तो मेरा जिस कैटेगरी का है मैंने उस कैटेगरी के हिसाब से बराबर करना है ना। तो यहां से जब इस संसार में जो मैंने हिसाब किताब बना रखा है वो बराबर होने के बाद ये जो नया हम बना रहे हैं ये उसके बाद चालू होगा। जैसे कोई मान लो अभी जो भी मतलब पार्टी वाले हैं हमारे एडवांस पार्टी वाले, अब एडवांस पार्टी वाले सभी अपने अपने स्टैंडर्ड पर जाके आएंगे तो उनकी जो चरम अवस्था होगी वो चरम अवस्था सतयुग में ला चालू होगी। परमात्मा से मिलने के बाद जो भी हमारे अंदर पवित्रता आएगी उसका प्रभाव अब नहीं दिखाई देगा। उसके आधार पर हम कर्म करेंगे, उसके आधार पर हम अपने हिसाब किताब को बराबर करेंगे, परंतु जो कार्मिक अकाउंट नया बनेगा अकर्म का खाता जो बनेगा वो सतयुग में शुरू होगा। आज यदि हमने किसी के साथ अकर्म का खाता बनाया है तो वो अब आगे के लिए है। लाइन समझ रहे हैं? आगे के लिए कैसे है? तो एक फार्मूला याद रखना है कि हम हर कर्म करते हुए पिछला बराबर कर रहे हैं अगला बना रहे, हर कर्म करते हुए किसी के साथ हम अकर्म का खाता बना रहे हैं। इसका मतलब अब वो बन नहीं रहा है, वो इस कल्प का अकर्म का खाता जो सतयुग में उसने मेरे साथ बनाया था वो मैंने अब बराबर कर दिया। अब मैं वो बराबर कर रहा हूं जो उसने सतयुग में मेरे साथ बनाया था, क्योंकि अकर्म का खाता तो सतयुग में होता है, संगम पर होता है, पर तो संगम पर होता है पिछला बराबर करते हैं और अगले सतयुग के लिए आने वाले सतयुग के लिए हम बना रहे हैं, तो हमें सतयुग में वो मिलेगा, वो पहले नहीं मिल सकता। हमें बहुत अच्छी तरह से इस बात को समझ लेना है। अब जो हम पवित्र बनेंगे उसके कारण हमारा पवित्र शरीर अब नहीं मिलेगा, उस कुल कर्मों के आधार पर पवित्र शरीर हमें सतयुग में मिलेगा। यदि हमने त्रेता के लायक बनाया है तो त्रेता में मिलेगा, द्वापर के लायक बनाया है तो द्वापर में मिलेगा, कलयुग के लायक बना के गए हैं तो कलयुग में मिलेगा। तो पवित्र जुती पवित्र शरीर नए कल्प में ही मिलेगा। ये बात समझ में आ गई है? ओम शांति। बच्चे दो तरफ से कमाई कर रहे हैं, एक तरफ है याद की यात्रा से कमाई और दूसरी तरफ है 84 के चक्र का ज्ञान स्मरण करने से कमाई। ज्ञान को स्मरण करना बाबा की स्मृति पर अपने आप को चलाने के लिए तैयार भी करना और चलना भी, ये सारा किसमें आ जाता है? ज्ञान का स्मरण करने से। दूसरी कमाई बाबा ने बताई है कि याद की यात्रा से कमाई, और दूसरा है याद की यात्रा बाबा की श्रीमत पर चलना, और दूसरा है 84 के चक्र के ज्ञान का स्मरण करने से कमाई। 84 के चक्र का हम जितना मंथन करते हैं उससे कमाई कैसे होती है? उससे हम अपनी बुराइयों का गला काटते जाते। 84 जन्मों के चक्र को जितना याद करेंगे उतना हम अपने अवगुणों का गला काटने में सक्षम होते जाएंगे। इसको कहा जाता है डबल आमदनी, और अज्ञान काल में होती है अल्पकाल क्षण भंगुर सिंगल आमदनी। यहां तुम्हारे याद की यात्रा आमद की आमदनी बहुत बड़ी है, आयु भी बड़ी हो जाती है, पवित्र भी बनते हो, अब सभी दुखों से
छूट जाते हो, सब दुखों से तुम छूट जाते हो। बहुत बड़ी आमदनी है, सतयुग में आयु भी बड़ी हो जाती है, दुख का नाम नहीं, क्योंकि वहां रावण राज्य ही नहीं, वहां क्या नहीं है, रावण का राज्य ही नहीं है। अज्ञान काल में पढ़ाई का अल्पकाल का सुख रहता है, और दूसरा पढ़ाई का सुख शास्त्र पढ़ने वालों को मिलता है, उनसे फॉलोवर्स को कुछ फायदा नहीं, उनसे फॉलोवर्स को कुछ फायदा नहीं। फॉलोवर्स तो हैं ही हैं भी नहीं, क्यों क्यों नहीं, वे तो ना ड्रेस आदि बदलते ना घर बार छोड़ते। भाई जिस गुरु ने फॉलो घर छोड़ दिया तो उसको फॉलो करने वाला उसी के अनुसार चले, ना तो वो उस गुरु वाली ड्रेस धारण करते हैं और ना ही घर बार छोड़ते। फॉलोअर्स कैसे कह सकते, वहां तो शांति पवित्रता सब यहां है, यहां अपवित्रता के कारण घर घर में कितना अशांति होती। सतयुग में शांति और पवित्रता सब यही होती है, और कलयुग में अपवित्रता के कारण घर घर में कितनी अशांति होती है। तुमको मत मिलती है ईश्वर की, तुमको मत मिलती है ईश्वर की। अभी तुम अपने बाप को याद करो, अपने को ईश्वर गवर्नमेंट समझो, परंतु तुम हो गुप्त। दिल में कितनी खुशी होनी चाहिए, अभी हम हैं श्रीमत पर, उनकी शक्ति से सतो प्रधान बन रहे हैं। यहां तो कोई राज्य भाग्य लेना नहीं है, हमारा राज्य भाग्य होता ही है नई दुनिया में, हमारा राज्य भाग्य होता ही है नई दुनिया में। अभी उसका मालूम पड़ा है इन लक्ष्मी नारायण के 84 जन्मों की।